मैं आपको बरसाने की एक ऐसी घटना सुना रही हूँ जिसे सुनकर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। किसी गांव में रमा नाम की एक बहुत भोली भाली औरत रहती थी। उसकी शादी को 4-5 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके घर में किसी बालक ने जन्म नहीं लिया था। रमा और उसके घर वाले बच्चे के लिए बहुत तरसते थे। एक बार रमा के पड़ोस की 8-10 औरतें राधा अष्टमी के उपलक्ष में किशोरी जी के दर्शन करने बरसाने जा रही थी। उन लोगों ने रमा को भी चलने के लिए कहा। रमा खुश हो गई क्योंकि वह पहले कभी बरसाने धाम नहीं गई थी। रमा की सास ने उससे कहा कि किशोरी जी बहुत करुणामयी है, जा शायद वो तेरी गोद भर दे। वो बहुत खुशी से 8-10 दिनों के लिए बरसाने जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन शाम को अचानक उसके पैर में चोट लग गई। उसका पैर सूज गया। उसकी सास ने कहा कि फिर कभी चले जाना, क्योंकि वहां तो चलने का ज्यादा काम है, तुम कैसे चल पाओगी। पर रमा नहीं मानी। उसे लग रहा था कि बरसाने जाने पर क्या पता करुणामयी किशोरी जी मेरी गोद भर दे। रमा और उसकी सहेलियां राधे कृष्ण का जयकारा करते हुए मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए बरसाने धाम पहुंची। मंदिर की सीढ़ियों पर रमा के पैर में लगी चोट के कारण वह धीरे धीरे चढ़ने लगी। उसने सबसे कहा, आप सभी जाओ, मैं आपको अटारी पर मंदिर के बाहर मिलूंगी, आप सभी वहीं मेरा इंतजार करना। रमा राधे राधे कहती चढ़ रही थी, तभी उसका पैर मुड़ गया। वो गिरने ही वाली थी, लेकिन एक 7-8 साल की लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया संभल कर, कहीं गिर ना जाना। रमा घबरा गई। रमा ने उस लड़की को देखा और कहा कि बेटी, आज तो तुम ना होती तो मैं गिर ही जाती। लड़की ने कहा, अरे मैया, मैं ना गिरने देती आपको। जब भी वह लड़की रमा को मैया कहती तो रमा को बहुत सुकून मिलता। मैया शब्द सुनकर रमा की आंखों में आंसू आ गए। रमा बड़े प्रेम से उस लड़की से बातें करने लगी। रमा ने पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो। लड़की ने कहा, मैया यही मेरा घर है, मैं तो यही रहती हूँ। थोड़ी देर बाद वो लड़की बोली कि मैया मेरे लिए क्या लाई हो। अब रमा हैरान होकर उसे देखने लगी। रमा बोली, मैं तेरे लिए क्या लाऊंगी, मैं तो तुझे जानती भी नहीं। लड़की बड़े प्रेम से बोली कि मैं यही रहती हूँ, सब मुझे प्रेम से लाडो बुलाते हैं, तुम भी मुझे लाडो ही बोलना। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है ना, तो तुम मुझे कुछ दोगी नहीं क्या। उसकी भोली भाली बातें सुनकर और मैया शब्द सुनकर रमा बहुत खुश हो रही थी। अच्छा बता, तुझे क्या चाहिए, मैं कल तुझे लाके जरूर दूंगी। अब तो मैं 8 दिन यही रहूंगी ना, राधा अष्टमी के दिन किशोरी जी के दर्शन के बाद ही हम सब जाएंगे। तो लाडो बोली, मुझे तो चूड़ी, कंगन, मेहंदी, घाघरा, चोली, माथे का टीका, गले का हार, बिछुए, पायल सब पसंद है, आप कुछ भी ले आना। तो रमा बोली, अच्छा अच्छा सब लाके दूंगी। रमा बोली, लाडो अब मैं चलती हूँ, मेरी सखियाँ अटारी पर मंदिर के बाहर मेरा इंतजार कर रही हैं। लाडो बोली, चल मैया मैं तुझे छोड़ आती हूँ, कहीं तुम फिर से गिर मत जाना। रमा लाडो की प्यारी प्यारी बातों से मंत्रमुग्ध होकर लाडो का हाथ पकड़कर दोनों अटारी पर पहुँच गए। लाडो बोली, मैया मैं चलती हूँ। रमा भी मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर में रमा ने किशोरी जी और ठाकुर जी के दर्शन किए। बहुत ही आनंदमय दर्शन हुए। अगले दिन रमा लाडो के लिए बहुत सुंदर चूड़ियां और पायल लेकर गई। वहां सीढ़ियों पर लाडो पहले से ही बैठी रमा का इंतजार कर रही थी।
रमा को देखकर लाडो बोली, मैया लाई हो मेरे लिए कुछ? रमा ने उसको चूड़ियां और पायल दे दी। लाडो बोली, मैया तुम तो कह रही थी सब कुछ लाऊंगी, बाकी चीजें कहाँ हैं? अरे मैं 8 दिन यही हूँ ना, मैं रोज तुझे कुछ ना कुछ लाकर दूंगी, जिससे तू मुझे रोज मिलने के लिए आए। और अगर एक ही दिन मैं तुझे लाकर दे दूंगी ना, फिर तू भाग जाएगी, फिर नहीं आएगी मुझसे मिलने। लाडो शरारती हंसी हंसने लगी और चूड़ी और पायल लेकर वहां से भाग गई। एक दिन जब रमा लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। तीखे नैन नक्श, सजीला सांवला घुंघराले बाल, इतना सुंदर कि उसके चेहरे से नजर ही नहीं हट रही थी। रमा ने पूछा, लाडो ये कौन है? लाडो ने बोला, मैया ये मेरा सखा है, हम साथ में ही रहते हैं। मैया कल तुम इसके लिए भी कुछ लेकर आना। अगले दिन सुंदर सा धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट लेकर गई। उसने देखा कि दोनों बच्चे वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। रमा ने बच्चों से खूब सारी बातें की। फिर रमा ने अपने लाए धोती कुर्ता और मोर पंख वाला मुकुट उन बच्चों को दिया। अब रमा बोली, लाडो देख मैंने तुझे और तेरे सखा को भी सब चीजें लाकर दी, पर तूने मुझे कभी कुछ पहनकर तो दिखाया ही नहीं, मैं भी तो देखूं कि तू कैसी लगेगी, तेरा नाप सही भी है या नहीं। लाडो बोली, मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल मैं तुझे सब पहनकर दिखाऊंगी। ये कहकर दोनों बच्चे चले गए। मंदिर में दर्शन कर रमा भी चली गई। अगले दिन राधा अष्टमी में लाखों की संख्या में लोग मंदिर आए। सब जगह राधे राधे के जयकारे लग रहे थे। अब रमा भी वहीं पहुंची जहां लाडो रोज उससे मिलती थी, पर आज लाडो वहां नहीं थी। रमा ने सोचा, आज बहुत भीड़ है, उत्सव का दिन है, हो सकता है आज वो नहीं आई हो। रमा मंदिर में किशोरी जी और श्याम जी के दर्शन के लिए पहुंची। वहां जाकर तो वो कुछ देर के लिए पत्थर हो गई। उसने पता है क्या देखा? किशोरी जी ने वही सामान पहना है जो उसने लाडो को लाकर दिया था, वही मोटे मोटे गोटे वाला लहंगा चोली, वही चूड़ियां। ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता और मुकुट पहना था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से पुजारी जी तक पहुंचकर रमा ने पूछा, आज वस्त्र और श्रृंगार की सेवा किसने की है? पुजारी जी ने कहा, आज वस्त्रों की व्यवस्था खुद लाडली जी ने ही की है। आज जब हमने पट खोले तो ये सारे वस्त्र और श्रृंगार का सामान वही रखा था। हमने इसे लाडली जी की मर्जी समझकर इन्हें यही पहना दिया। रमा तो जैसे पागल सी हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस लाडो से और सखा से वो रोज मिल रही थी, वह तो साक्षात किशोरी जी और ठाकुर जी थे। वो फिर पागलों की तरह भागती हुई सीढ़ियों तक गई जहां वो रोज उनसे मिलती थी और जोर जोर से लाडो लाडो चिल्लाने लगी। पर आज तो लाडो को लाखों लोगों को दर्शन देने थे, वो वहां कहां से आती। तभी वहां उसकी सखियां आ गई। उन्होंने रमा से पूछा कि रमा तुम किसे पुकार रही हो? रमा ने सारा किस्सा उन्हें बताया। वो भी रमा के गोटे लगाए लहंगा चोली को पहचान गई, क्योंकि रमा ने उनके सामने ही उसे तैयार किया था। सब हैरान हो गए। रमा ने वापस घर जाने से मना कर दिया। रमा बोली, मैं घर नहीं जाऊंगी जब तक लाडो मुझसे नहीं मिलेगी। रमा की सास और पति भी उसे घर ले जाने आए, पर रमा उनके साथ भी नहीं गई। रमा अब भी उन सीढ़ियों पर रोज आकर लाडो की याद में आंसू बहाती और लाडो लाडो चिल्लाती। और जब शाम तक लाडो नहीं आती तो लाडो की याद में उसे इतनी पीड़ा होती मानो हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उस पीड़ा का भी अपना ही आनंद था। ऐसा करते हुए रमा को 30 साल बीत गए। रमा कमजोर हो चुकी थी, बुढ़ापा हावी होने लगा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की उसका हाथ पकड़कर अटारी पर उसे ले गई और बोली, मैया ये रही तुम्हारी लाडो। रमा की वही लाडो बाहें फैलाए उसे बुला रही थी।
रमा बावरी सी हो गई। एक आखिरी हिचकी के साथ रमा वहीं गिर गई। ऐसा लगा मानो किशोरी जी ने रमा को नहीं उसकी आत्मा को ही गले से लगा लिया हो। बोलो मेरी राजनंदिनी की।